हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। सो मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि आप जब भी कोई बैडमिंटन खेलने जा रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं एक पूरा रैकेट का सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं बिगनर के लिए, इंटरमीडिएट प्लेयर के लिए और एडवांस प्लेयर के लिए सारा रैकेट आपको सेलेक्ट करके दूंगा। सो आज मैं अपना सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बिगनर्स के लिए टॉप 10 रैकेट बताऊंगा। और जो हमारा स्टार्टिंग और सुपर बिगनर से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे जैसे आप जाओगे, जैसे हमारा 10th रैकेट जो है वो थोड़ा अच्छे, जैसे आप बिगनर हो लेकिन आपको थोड़ा बहुत मारने आता है कि आप थोड़ा बहुत मार सकते हो, आपके हाथ में थोड़ा पावर है, तो आप तब आप उस रैकेट को लेना। यानी कि सुपर बिगनर से धीरे धीरे आपका जैसे जैसा लेवल अप होते जाएगा उसी तरह मैं ये सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो अभी मेरा सीरीज है पूरा बिगनर्स के लिए ही है, इसमें जो मेरा स्टार्ट हो रहा है वो सुपर बिगनर से। यानी कि मैंने स्टार्टिंग में जो दो रैकेट सेलेक्ट किए वो ऐसे सुपर बिगनर के लिए जिनको मतलब बिल्कुल भी खेलना नहीं आता है। मान लो कि वो बस रैकेट पकड़ दें और उनको ना हाथ चलाने आता ना कुछ, मतलब उनको पावर जनरेट करने आता ही नहीं है, तो उनके लिए ये रैकेट है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो इस सीरीज में जो हमारा फर्स्ट रैकेट है वो हमारा यूनेक्स GR303। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है ये हमारा है रैकेट यूनेक्स का, और ये जो रैकेट है ये बिगनर्स के लिए काफी अच्छा रैकेट है, यानी कि जो सुपर बिगनर है उनके लिए काफी अच्छा है। तो जो इसका वेट है वो 90-94 ग्राम है, जो बिगनर्स के लिए काफी अच्छा है। और अगर मैं इसके बैलेंस की बात करूँ तो इसमें हेड लाइट बैलेंस मिलेगा आपको। इसकी जो शेप है वो आइसोमेट्रिक शेप में है, और जो यहाँ पे जॉइंट है आपको इसे, ये जो रैकेट है वो आपको जॉइंटलेस नहीं मिलेगा, इसमें आपको जॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो जॉइंट है इससे सुपर बिगनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सुपर बिगनर होते हैं उनके हैंड में इतना पावर नहीं है कि वो ज़्यादा तेज से शटल को मार सके। तो अगर आप एकदम सुपर बिगनर हो तो आपके लिए रैकेट परफेक्ट है। और इसकी जो प्राइस रेंज है वो भी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको मार्केट में 600 से 800 के बीच में मिल जाएगा। तो बींग अ सुपर बिगनर आपके लिए रैकेट परफेक्ट है। और इसी सीरीज में अगर मैं बात करूँ सुपर बिगनर के लिए रैकेट, तो ये हमारा यूनेक्स का ZR100 Lite। अगर इस रैकेट में बात करूँ तो आपको मिलेगा 4U, यानी कि 82-84 ग्राम का रैकेट है, मीडियम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है, और जो इसका सेप है वो भी आइसोमेट्रिक है, और ये भी जो रैकेट है वो भी जॉइंट है, इसमें भी जॉइंट होता है, जैसे कि आप देख रहे हो टी शेप जॉइंट, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो इसमें भी टी शेप जॉइंट आपको देखने को मिलेगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सुपर बिगनर तो आपको मैटर नहीं करता है, और आपके लिए ये रैकेट काफी अच्छा है क्योंकि ये ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप सुपर बिगनर हो आपको ज्यादा रैकेट महंगा लेने का जरूरत भी नहीं है, तो ये भी जो रैकेट है आपको 500 से 700 के बीच में मिल जाएगा। तो अब जब मैं आपको रैकेट बता रहा हूँ, ये आप रैकेट तभी लेना जब आप सुपर बिगनर नहीं हो, यानी कि आपको थोड़ा बहुत खेलने आता है तभी आप इस रैकेट की तरफ जाना, क्योंकि अब जब मैं रैकेट बताऊंगा इसका प्राइस रेंज भी बढ़ते जाएगा थोड़ा धीरे धीरे, वो उसका प्राइस रेंज भी बढ़ेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सुपर बिगनर नहीं हो और आपका जो प्लेइंग लेवल है थोड़ा अप हो चुका है, इसी तरह धीरे धीरे मैं अप करके उसका बताऊंगा, इसमें आपको प्राइस रेंज भी बढ़ता हुआ जाएगा और उसका स्किल लेवल जो है, प्लेइंग लेवल जो है वो भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो चलो अब जो हम नेक्स्ट रैकेट की बात करेंगे वो है हमारा लिनिंग GTEC 58GX। तो अगर इस रैकेट की मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपको वेट जो है 3U देखने को मिलेगा, 3U यानी कि 85-89 ग्राम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 3U होता है वो सिंगल प्लेयर के लिए होता है। आपको बैलेंस इसमें हेड हैवी देखने को मिलेगा, और फ्लैक्स जो है इसकी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सिबल रैकेट किसके लिए होता है। मैंने बताया था उस टाइम पे कि फ्लेक्सिबल रैकेट होता है बिगनर के लिए होता है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनका आर्म और रिस्ट रोटेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, इसलिए उन्हें फ्लेक्सिबल रैकेट ही ज्यादा अच्छा लगता है, सुटेबल इसलिए लगता है क्योंकि वो जो रैकेट होता है फ्लेक्सिबल होता है, और इसलिए उसको ज्यादा तेज से उसमें शॉट मारने के कैपेबल होते हैं, ठीक है। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करें तो इसमें आपको 30 LBS तक देखने को मिलेगा। तो ये जो रैकेट है ये लिनिंग का है, ये आपको जॉइंटलेस मिलेगा, और अगर आप थोड़ा सा सुपर बिगनर के ऊपर है तो ये रैकेट आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि लिनिंग GTEC 58GX जो है ये काफी अच्छा रैकेट है, अगर आप इसे खेलोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जो हमारा नेक्स्ट रैकेट है वो है हमारा यूनेक्स कार्बोनेस 7000EX। अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस रेंज है वो आपको ये रैकेट जो है 1300 से 1500 के बीच में मिल जाएगा। अगर मैं इस रैकेट की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये रैकेट जो आपको 2U में मिलेगा, यानी कि जो इसकी वेट है वो आपको 90-94 ग्राम में मिलेगा। बैलेंस इसमें आपको इवन बैलेंस देखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मीडियम रहेगा। और अगर मैं इसकी स्ट्रिंग टेंशन की बात करूँ तो इसमें बहुत ही अच्छा 18 से 28 LBS है, यानी कि 18-28 LBS आपको मिलेगा, जो कि बिगनर के लिए परफेक्ट है। और अगर मैं इसकी हेड शेप की बात करूँ तो ये आपको ओवल शेप में देखने को मिलेगा। बाकी इसमें मैंने जितने भी आपको रैकेट बताए हैं वो सारे आइसोमेट्रिक शेप के हैं, बट ये जो रैकेट है आपको ओवल शेप में मिलेगा। अगर मैं बोलूँ बिगनर्स के लिए ओवल शेप और आइसोमेट्रिक शेप उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप इस दोनों रैकेट से खेल सकते हो और बिगनर के लिए ये रैकेट परफेक्ट है। तो अगर आप ये रैकेट लेना चाहते हो तो आप ये रैकेट की तरफ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट रैकेट है वो हमारा लिनिंग टर्बो X80। ये जो रैकेट है ये भी रैकेट काफ़ी अच्छा है, और अगर इसका वेट का बात किया जाए तो ये आपको 85-89 ग्राम में मिलेगा। इसका बैलेंस जो है हेड हैवी है, फ्लैक्स रैकेट जो इसका फ्लेक्सिबल है, मैंने बताया था फ्लेक्सिबल रैकेट बिगनर्स के लिए होता है। कंपोजिशन की अगर बात किया जाए तो ये पूरा कार्बन ग्रेफाइट से बना हुआ रैकेट है। स्ट्रिंग टेंशन काफ़ी अच्छा इसमें आपको दिखेगा, इसका जो स्ट्रिंग टेंशन है वो 28 से 30 LBS का है, और इसमें भी आपको आइसोमेट्रिक शेप ही देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की बात करूँ तो यह रैकेट जो है आपको 1500 से 1700 के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होता है, तो आप देख लेना कि आपको सस्ता कहाँ से मिल रहा है, आप वहाँ से ले लेना।
और अगर आप इस रैकेट को लेना चाहते हो तो आप इस रैकेट की तरफ जाओ। बीइंग अ बिगनर आपको इतना ज़्यादा सिलेक्शन नहीं करना है, क्योंकि आप इस टाइम पे इस रैकेट से खेलोगे तो भी आपको मजा आएगा। ये सारे रैकेट अच्छे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट रैकेट है वो हमारा लिनिंग टर्बो X90। अभी जो मैंने आपको बताया था लिनिंग टर्बो X80 के बारे में, ये उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, यानी कि ये उससे भी एक अच्छा अपग्रेडेड वर्जन है उसका, ठीक है। तो इसका भी अगर बात किया जाए वेट जो है वो आपको 3U 85-89 ग्राम में मिलेगा। बैलेंस में इसमें 8 हेड है भी है, फ्लेक्सीबल रैकेट है, 28-30 LBS में मिलेगा हेड शेप, और जो है इसका आइसोमेट्रिक ही है। तो अगर मैं इन दोनों रैकेट में डिफरेंस की बात करूँ तो ये जो रैकेट है आपको थोड़ा सा इसके मटेरियल में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये जो रैकेट है ये हाई क्वालिटी कार्बन फाइबर रैकेट होता है और इसमें काफ़ी अच्छा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। ये रैकेट आपको बीइंग अ बिगिनर आपके लिए बहुत अच्छा रैकेट है, आपको ये सेलेक्ट करना चाहिए अगर आप थोड़ा बहुत बिगिनर से ऊपर हो तो। अब जो हमारा नेक्स्ट रैकेट है ये हमारा यूनेक्स नैनोरेस 7000i। ये जो रैकेट है आपको मार्केट में 1500 से 1700 के बीच में देखने को मिलेगा। अब जब मैं अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो जो रैकेट है ये आपको 90-94 ग्राम में मिलेगा। इसमें जो बैलेंस है आपको हेडलाइट देखने को मिलेगा। इसका जो फ्लैक्स है वो थोड़ा कम है, यानी कि यह थोड़ा स्टीप में मिलता है, बट बीइंग अ बिगिनर आपको ये भी रैकेट अच्छा लगेगा, ठीक है, आप इससे भी खेल सकते हो। अगर मैं इसके शेप की बात करूँ तो ये आपको आइसोमेट्रिक शेप में दिखेगा और इसका स्ट्रिंग टेंशन जो 18-28 LBS का है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी प्राइस रेंज काफ़ी अच्छी है, 1400 से 1600-1700 जो भी रेंज है आपको मिल जाएगी। ये भी रैकेट यूनिक्स का काफ़ी अच्छा है, यूनिक्स रैकेट अच्छा बनाता है। अब जो नेक्स्ट रैकेट है हमारा वो हमारा यूनिक्स नैनोरे लाइट 89। ये जो रैकेट है ये काफ़ी अच्छा रैकेट है और मेरे जो बिगनर स्टूडेंट होते हैं मैं उनको भी यही रैकेट सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वाकई में ये रैकेट काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे भी ये रैकेट पसंद था जब मैं बिगनर था, कभी मैं भी इस रैकेट से खेला करता था। अच्छा है रैकेट, आप ये भी रैकेट ले सकते हो, आपको मजा आएगा खेलने में। अब जो नेक्स्ट रैकेट है हमारा वो हमारा यूनिक्स कार्बोनेस 8000+। अगर मैं इस रैकेट की बात करूँ तो इसका जो प्राइस रेंज आपको देखने को मिल जाएगा वो 1800-2000 के बीच में आपको ये रैकेट इजीली अवेल हो जाएगा। और अगर इसमें स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका जो वेट है वो आपको 3U में दिखेगा, यानी कि 85-89 ग्राम। बैलेंस इसमें इवन देखने को मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें स्टीफ है, यानी कि जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी स्टीफ है। स्ट्रिंग टेंशन काफ़ी अच्छी है इसमें, 18-28 LBS का है। और अगर हेड शेप की बात करो तो इसमें भी आपको ओवल शेप देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीइंग अ बिगिनर यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट द हेड शेप, यू कैन प्ले विद द आइसोमेट्रिक शेप एंड ऑल्सो विद द ओवल शेप, इट डजेंट मैटर बिकॉज यू आर अ बिगिनर। सो आई होप अभी जो मैंने आपको रैकेट सजेस्ट किया हो ये आपको पसंद आया होगा। और आप अगर बिगिनर हो तो आप इन रैकेट की तरफ जा सकते हो और इनका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, आप इन रैकेट से खेलो आपको मजा आएगा। और देखो यार रैकेट की सीरीज बनाई इतनी बिजी नहीं है, मुझे पूरा हर एक चीज़ पे एनालिसिस करना पड़ता है कि जो रैकेट है वो कैसे लेना है, बिगिनर के लिए कैसे उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद हर एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या क्या आपको देखना है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सेलेक्ट करके सारे रैकेट को चूज़ किया। और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मुझे ये जो रैकेट अच्छे लगे मैं वही आपके सामने लाया। आप वैसे देखोगे तो मार्केट में और भी काफ़ी सारे रैकेट पड़े हैं बट हमें उनकी तरफ नहीं जाना है। ये जो रैकेट है अच्छे हैं, अगर आप इनकी तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि आपको खुद ही मजा आएगा खेलने में। चलो ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको इंटरमीडिएट प्लेयर को कौन कौन से रैकेट लेने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्वालिटी कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यार देखो हम बैडमिंटन कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी करे तो आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर से इंटरमीडिएट प्लेयर के लिए रैकेट लाएंगे। एंड आई होप आप उस वीडियो के लिए भी वेट करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।